उमेश सर, एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक और पार्षदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं इस्तीफे के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अब हाईकोर्ट से कितनी राहत मिलेगी जब सुप्रीम कोर्ट ही फटकार लगा चुका है शराब माफिया मामले में मनीष सिसोदिया के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये क्या बैठक कर रहे हैं। इनको मॉरल ग्राउंड्स पर जो केजरीवाल साहब हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए खुद, कि अब मेरे ऐसे मंत्री पकड़े गए हैं, सबूत के साथ पकड़े गए हैं और कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया, तो मेरी मॉरल जिम्मेवारी है कि मैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों को संभाल नहीं पाया और उन्होंने लूट की है, तो मैं मॉरल जिम्मेवारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देता हूँ। ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा हमारे देश में पहले होता रहा है। हर मुख्यमंत्री या ऐसे मंत्री भी हुए हैं जिन्होंने अपने विभाग में गड़बड़ी के बाद त्याग पत्र दिया है, लेकिन केजरीवाल की टीम से ऐसा सोचना, ऐसा एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वो कैसे लोग हैं सब जानते हैं, वो नया कोई बहाना खड़ा करेंगे, कोई नई चीज़ खड़ा करेंगे और कहेंगे कि हमें केंद्र सरकार परेशान कर रही है, हमें फंसाया जा रहा है। सच्चाई तो ये सामने आ गई है अब कि आप शिक्षा का मॉडल का ढिंढोरा पीट कर, हेल्थ का ढिंढोरा पीट कर आप शराब में लूट करते रहे हैं, दलाली खाते रहे हैं, आपके हाथ काले हैं, आपका सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है और ऐसा देखने में आ रहा है। और ये समय ही बताएगा कि जो तथाकथित रूप से ये शिक्षा का मॉडल कह रहे हैं उसकी भी ढोल की पोल ऐसे ही खुलेगी, उसमें भी हजारों करोड़ का घपला इन्होंने किया है। जो टेंडर के रेट दिए हैं, जिस तरह से इन्होंने काम कराया है और जिस तरह से ये कहते हैं कि हमने शिक्षा में आमूल सुधार किए हैं, वो पोल भी खुल जाएगी। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये लोग बड़े धूर्त लोग हैं, बड़ी चालाकी से किया और शुरू से हम देख रहे हैं कि सीबीआई ने कितनी बार रेड डाली, कितनी बार चीज़ों को देखा, समझा, सीज किया, गवाहों को लिया, गवाहों के 164 में बयान भी कराए, मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान कराए, तब जाके ये पूरा जो स्कैम है इनका खुलकर सामने आया है। और ये इनको पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए ये बार बार ऐसा नाटक कर रहे थे। ये अब दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा कि हमने कैसे लोगों को चुना है, कैसे लोग हैं ये, कितने धूर्त लोग हैं जो हमसे वोट लेकर हमें ही मूर्ख बना रहे हैं, हमारा ही सरकारी पैसा, सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं। तो दिल्ली में विकास क्या होगा, विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये दिल्ली की जनता को सोचना है, गंभीरता से सोचना है। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें कि एक तरफ संजय सिंह से लेकर तमाम जो उनके विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि निर्दोष नेताओं को या मंत्रियों को फंसाया जा रहा है, उन्हीं के पास ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय थे इसीलिए उनका इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफे की बात। और वहीं अगर इस्तीफे की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने पहले ही इस्तीफा दे रखा था, वो भी बिना डेट तारीख लिखे हुए, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये तो खेल करते हैं, ये खेल इन्होंने पहले से ही रचा हुआ हो, फॉर्जरी का काम। अब ये चीज़ इनके विधायक जो संजय सिंह साहब है ये क्यों नहीं बता रहे कि इन्होंने 140 मोबाइल क्यों तोड़े अपने ऑफिस में, इन्होंने जो कंप्यूटर है जिसमें ये एक्साइज पॉलिसी बाहर से बनाई गई है उस कंप्यूटर का हार्ड डिस्क को क्यों इन्होंने स्कैन करके सारा डिलीट किया? ये बात अलग है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, खासकर CBI, इतनी स्किल्ड है, इतनी स्मार्ट है कि उन्होंने सब कुछ डेटा सारा रेस्टोर कर लिया है और ये बात सामने आ गया कि ये बाहर के कंप्यूटर पर ये पॉलिसी बनाई गई, जिसका सीधा मतलब है कि ठेकेदारों ने अपने लोगों के कंप्यूटर पर ये बनवाया, इस पॉलिसी को दिखाने के लिए कैबिनेट में रखा गया, मंत्री द्वारा अप्रूव कराया गया, तो ये सब एक नाटक हुआ है। ऐसा ही नाटक इन्होंने किया कि त्यागपत्र बिना डेट का उनको दिया हुआ था और अब ये कह रहे हैं कि त्यागपत्र दे दिया गया है, तो ये नाटक तो ये करते हैं और ये बहुत ही घटिया लेवल पर करते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर रहे हैं तो मैनिपुलेशन को कैसे की जा सकती है, कहाँ कहाँ गुंजाइश है, वो सारी चीज़ें वो जानते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि दिल्ली की जनता का वो मजाक उड़ा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने जिस विश्वास से उनको वोट दिया था, जिस हिसाब से उनको वोट मिले थे, जिस हिसाब से उनको मैंडेट मिला था, उनको विकास का काम आगे बढ़कर खुलकर करना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। विकास की आड़ में एक दो स्कूल के बाहर होर्डिंग लगा दी, क्लाइडिंग करा दी, स्कूल के बाहर चमकीले शीशे लगवा दिए, लेकिन स्कूल के में कोई सुधार कहीं नहीं हुआ। एक दो स्कूल के अलावा देख लिया जाए तो
ज़्यादातर स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, 40% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, और बच्चों को 9th में ही फेल करा दिया जाता है और उनको भगा दिया जाता है वहाँ से कि अब आप 10th का रिज़ल्ट हमको सुधारना है। तो ये आप कौन सा विकास कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों ने ये क्या कर लिया? दिल्ली के लोगों के पास अब पछताने के अलावा कोई चारा नहीं है, और जो भी इनके कारनामे थे वो सब पकड़ में आ रहे हैं। धीरे धीरे और भी इनके कारनामे पकड़ में आएंगे, पोल खुलेगी तब जाकर ये चीज़ें सामने आएगी, फिर लोगों को सोचना होगा कि हमने किनको चुना है, क्या वोट दिया है। सर, इसी के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को राहत देने के लिए यानी कि याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करने से ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि आपको इससे पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो पेशे से एडवोकेट हैं, उनके लिए जो 19 करोड़ रुपये की फीस भरी गई है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये शराब घोटाले से कमाया हुआ पैसा जो है वो दिया जा रहा है अभिषेक मनु सिंह भी। जी, ये लूट का काम है, इन्होंने खूब लूटा है। शुरू से अंदाज़ा जो हम लगा रहे हैं ये 1000 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा है, और धीरे धीरे ये चीज़ें खुलेंगी, पकड़ी जाएंगी। और ये एक क्रिमिनल का मॉड्यूल है कि पैसे लूटपाट के या ठगी करके पैसे कमाओ और लॉयर्स को ऊंची ऊंची फीस देकर और कैसे भी करके मैनिपुलेट करके, सिस्टम को मैनिपुलेट करके किसी तरह से कानून के जो प्रोसेस है उससे बच जाओ और मैनिपुलेट करो। ऐसा हुआ, ऐसा इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश का सिस्टम इतना भी लाचार नहीं है, इनकी ये गड़बड़ी पकड़ी गई है और ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो एक चीज़ इनको मैं सलाह देना चाहूँगा, अधिवक्ता हूँ मैं भी जानता हूँ कि ये एक साधारण क्रिमिनल हैं। अब ये कोई कैबिनेट मिनिस्टर या जो भी थे तो थे, ये अपने मंत्रालय में या अपने घर में या अपनी पार्टी के लिए एक मंत्री रहे होंगे या बड़े नेता होंगे, जो भी होंगे, लेकिन कानून चूंकि सबको बराबर नज़र से देखता है तो ये एक साधारण क्रिमिनल हैं। इनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा, जेल में इनको सभी क्रिमिनल्स के साथ रखा जाएगा, कानूनी की प्रक्रिया जो होती है उसमें इनका केस ऐसा नहीं है कि सबसे ऊपर लगेगा या सबसे पहले लगेगा। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं और इन्होंने करने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधा चले जाए, ऐसा नहीं होता है, आपको हाई कोर्ट के आपको ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अभी चूंकि इनको रिमांड दिया गया है तो उसके अगेंस्ट तो कोई अपील इनकी लगेगी नहीं, कहीं कुछ होगा नहीं। उसके बाद ये फिर बेल लगा सकते हैं, बेल लगाएंगे पहले जो कोर्ट, जिस कोर्ट ने दिया है, सेशन लेवल की कोर्ट है, वहाँ सेशन में बेल लगेगी, उस पर ऑर्डर होगा, उसके बाद उस ऑर्डर को ये हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे, फिर उस ऑर्डर को ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करें। ये बात तो दिख रही है कि अभी हाल फिलहाल में नज़दीक में इनको सत्येंद्र जैन के साथ ही रहना होगा। इसका मतलब ये है कि इनको बेल अभी मिलेगी नहीं, और CBI ने जो तहकीकात की है, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, इतनी सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं और CBI ने बहुत तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इनको ये मान लेना चाहिए कि ये क्रिमिनल हैं, चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और एक क्रिमिनल की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अब ये कोई मंत्री नहीं है, मंत्री जब बने तब बने या MLA जब बने तो बने, अब ये एक साधारण क्रिमिनल हैं, इनको क्रिमिनल की तरह बिहेव करना चाहिए और जैसा कानूनी प्रक्रिया है उसमें ये कॉपरेट करें। अगर ये नहीं कॉपरेट करेंगे तो हमारा कानून इतना लाचार नहीं है, इनको खूब बढ़िया सबक भी मिलेगा और इनके अंदर जो भूत समाया हुआ है, पैसे जो गलत तरीके से कमा कर इन्होंने जो जमा किया है, जो लुटाए फिर रहे हैं, वो इनकी सारी हवा निकल जाएगी। क्योंकि हमारी कानूनी प्रक्रिया थोड़ी स्लो ज़रूर है लेकिन पूरी रॉबस्ट है और अच्छे से चलेगी और सारी चीज़ें सामने आएंगी, सबके सामने हम आप कोई भी जाकर देख सकते हैं, सुनवाई में भाग ले सकते हैं, सुनवाई देख सकते हैं, जज ने क्या बोला ये समझ सकते हैं। चूंकि अब ये सब वर्चुअल होने लगा है तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी हम आप देख सकते हैं। तो ये इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि इन्होंने कौन सा घपला किया है, किस तरह से ये क्रिमिनल की तरह कोर्ट में जाकर खड़े हो रहे हैं, तो ये सारी पोल पट्टी लोगों के सामने आ जाएगी और आनी भी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है जो धोखा इन्होंने लोगों के साथ किया है, जो धोखा इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया है, उसका इनको सबक मिलना ही चाहिए। और अगर नहीं मिलेगा तो दिल्ली की जनता या लोगों का विश्वास
हमारी कानूनी प्रक्रिया से उठ जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का बयान जो है वो भी आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर हमारा कोई भी नेता या कार्यकर्ता अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप या भ्रष्टाचार करता है तो हम उसे हटा देंगे। आज CBI जिस तरीके से बड़ी चीज़ें निकल कर सामने लेकर आ रही है, मोबाइलों की बात सामने आ रही है, तो फिर क्यों फेवर किया जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि फंसाया जा रहा है या निर्दोष है? देखिए, अरविंद केजरीवाल या उनके आसपास के जो भी लोग हैं या इस पार्टी का अस्तित्व इसी में है कि ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनके दिल में कुछ होता है, और ये दुनिया को धोखा देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए झूठी बात, फरेब वाली बातें करते हैं और करते कुछ और हैं। इन्होंने बोला कि हम स्कूलों का सुधार कर रहे हैं और ये शराब में दलाली खाने लग गए। शराब की एक्साइज की पॉलिसी इन्होंने गुपचुप से चेंज कर दी। लोगों को बोला कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं और प्राइवेट ठेकेदार से दलाली खाने लगे। सरकारी संस्थान जो शराब बेचते थे, जो पिछले 30-40 साल से व्यवस्था दिल्ली में थी, उसको इन्होंने चेंज कर दिया और शराब प्राइवेट वेंडर्स को दे दिया, वो भी बिल्कुल गलत तरीके से दिया, और उसमें कोविड का बहाना लिया कि कोविड में इनकी सेल नहीं है तो हम इनको एक्साइज का रिबेट दे रहे हैं, हम इनको एग्जेम्पशन दे रहे हैं, वो सब करके सारा पैसा हड़प लिया, सरकारी खजाने को चूना लगाया, ठेकेदारों को, शराब के ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाया और उनसे दलाली खाई। यही इन्होंने किया है। ये कुछ भी बोल लें, ये सबको दिखाई दे रहा है, हमको, आपको, सबको ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ें अब खुलकर सामने आनी भी चाहिए और आएंगे भी।